हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी मालपुए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें एक कप मैदा डालेंगे, आधा कप सूजी डालेंगे, दो चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे, आधा कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का दाना डालेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो आप ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं इसमें डाल सकते हैं। इसे हम मिला देंगे। देखिए इसे मैंने मिला दिया है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है। अब इसमें हम दो केले को छील के तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। जो मैंने मैदा, सूजी और चीनी मिला के रखा था उसमें हम इसे डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। इसमें डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसे अच्छी तरह मिला लिया है। इसका घोल इस तरह का होना चाहिए। अब इसे हम ढक देंगे। ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन अब गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम तेल डालेंगे। तेल की जगह आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। तेल को मीडियम गर्म होने देंगे। तो अब तेल मीडियम गर्म हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। ध्यान रहे कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मालपुए बिखर जाएंगे। अब इसमें कलछी की मदद से घोल को इसमें डालते जाएंगे। इसे तुरंत नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर बाद पलटेंगे। अब इसे हम पलट देंगे और इसे हम दोनों ओर से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब ये गोल्डन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह सारे मालपुए बना के तैयार कर लेंगे। मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मालपुए बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।